नमस्कार मेरे सारे भाइयों को। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल के भर्ती सामने आई है, जो कि पब्लिश हुई थी 20/11/2019 को, और इसके आवेदन स्टार्ट होंगे 22/11/2019 से, और इसके आवेदन की अंतिम तिथि है 23/12/2019, और इन्होंने एडमिट कार्ड की डिटेल भी दी हुई है कि एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्ज़ाम आपके कब होंगे। जो आपकी एडमिट कार्ड की डेट है वो है 3/1/2020 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और एक इन्होंने अनुमान लगा के आपको रिटर्न टेस्ट का डेट दी है जो है 13/1/2020। ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इससे 13 से 20 तक के बीच में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ये दो कैटेगरी में वैकेंसी निकली है। पहली जो कैटेगरी है वो है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा इसका पे स्केल रहेगा और किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। और जो सेकंड जो पोस्ट है, सेकंड जो कैटेगरी है वो है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट, उसके अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चिन्ह लगा दिया है, इधर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। और बात करते हैं कितनी पोस्टों पर भर्ती है, तो ये 4 पोस्ट पे भर्ती निकली हुई है, NE01, NE02, NE03, NE04। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके, आपको या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके मेन मेन पॉइंट बता दूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया और आपने देखा भी कि इसके अंदर सबसे पहले तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जो होगा CBT एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, एंड देन उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप ये भर्ती चढ़ेंगे। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। और बात करते हैं रिटर्न टेस्ट की, कि रिटर्न टेस्ट क्या होगा, कैसा है। तो रिटर्न टेस्ट के अंदर जो इन्होंने बताया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CBT एग्ज़ाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दो लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश और हिंदी। आप कोई भी एक लैंग्वेज उसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटी एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ डिस्क्लेब, ये आपका रहेगा। और फर्स्ट पॉइंट देखो, इसके अंदर बताया गया है कि 140 नंबर का आपका पेपर आएगा, 140 क्वेश्चन आएंगे, और जो कैटेगरी दी है E01 टू E06 फ्रॉम NE01 टू NE04, इनके अंदर इक्वल मार्क्स, मतलब इनके अंदर 140 क्वेश्चन आएंगे, और इसके इस एग्ज़ाम के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो होगी 1/3 की, मतलब 3 अगर क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आपका एक नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। और पेपर की जो टाइमिंग रहेगी, वो जो आपकी पेपर की टाइमिंग है वो रहेगी 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जिसके अंदर आपको 140 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, कि एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो इसके अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे आपको पता है यूपी के लिए वैकेंसी निकली है, तो पूरे यूपी के अंदर आपकी एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। आपको मैं नाम बता देता हूँ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद एंड मुजफ्फरनगर ऑफ एनी अदर सिटी ऑफ यूपी। और भी और सिटी है यूपी की, लेकिन जो मेन मेन जगह थी ये बता दी मैंने, इसी जगह आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। और बात करते हैं कुछ कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी बॉन्ड, जो आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे जो कॉस्ट लगेगी, जो फीस लगेगी, वो आपकी लगेगी। आप यहाँ से पोस्ट कोड देख सकते हैं, E01 टू E06 की आपकी जो लगेगी वो लगेगी 94,400। और जो पोस्ट कोड नीचे जो सेकंड है उसके अंदर NE01 से टू NE04 की जो वो लगेगी आपकी 35,400 विद आपकी GST लगेगी, इन्होंने साफ साफ इनके अंदर बताया गया है। और बात करते हैं एज रिलैक्शन की, कि एज रिलैक्शन क्या होगा आपका, जो इसके अंदर एज रिलैक्शन मिलेगा, जैसे नियम अनुसार गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है SC ST को 5 साल का, वैसे ही आपको एज रिलैक्शन मिलेगा। और जो एक्स सर्विस मैन है उनको 3 साल का एज रिलैक्शन मिलेगा, मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 40 साल की होनी चाहिए। और
और बात करते हैं फीस पेमेंट की कि कितने फीस रहेगी कौन सी कैटेगरी की, जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 5,000, सॉरी जो उनकी फीस रहेगी वो रहेगी 590, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 236 रुपये विद जीएसटी, इन्होंने लिखा हुआ है। और अप्लाई कैसे करना है, ये सबसे मेन पॉइंट है कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको जो यूपी मेट्रो रेल की ऑफिशियल वेबसाइट है जो इन्होंने दी हुई है www.upmetroral.com metrorail.com पे आपको जाना है। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करनी है एंड देन आपको लॉगिन करना है, बस यही प्रोसीजर अप्लाई करने का, और जो जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हर बारी मैं बोलता हूं जो आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे उसका ब्लू बैकग्राउंड रखना, उससे आपकी फ़ोटो अच्छा रिफ्लेक्ट करेगी और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो आप इन चीज़ का भी ध्यान रखते हुए ही वैकेंसी भरे। तो फ़िलहाल अभी तो यही था इस वैकेंसी में बताने के लिए। इसी तरीके की नई नई वैकेंसी की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।